हेलो दोस्तों, टेक्निकल नरेश यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे टेक्निकल वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे 3D इंट्रो कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काइनमास्टर ओपन करना है। मास्टर ओपन होने पर आपको क्या करना है, आपको क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको 16x9 की साइज़ ले लेनी है। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, क्रिएट प्रोजेक्ट करके आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेज एसेट पे चले जाना है। इमेज एसेट पे चले जाने के बाद आपको ब्लैक इमेज ले लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक फ्री टेम्पलेट लेना है। दोस्तों, आपको ये फ्री टेम्पलेट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके आपको वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैं मीडिया में जाके मेरा फ्री टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया है, वो मैं कोई भी एक फ्री टेम्पलेट ले लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने एक फ्री टेम्पलेट ले लिया है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, फ्री टेम्पलेट को स्प्लिट टू स्क्रीन करना है। स्प्लिट टू स्क्रीन करके आपको फुल स्क्रीन करें तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको फुल स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो टेम्पलेट आपको चला देना है। तो दोस्तों, चलाने के बाद आपको ग्रीन स्क्रीन दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, वो ग्रीन स्क्रीन आपको हटा लेनी है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको दोस्तों क्रोमा की में चले जाना है। तो क्रोमा की करोगे, अनेबल करोगे तो दोस्तों आपको ग्रीन स्क्रीन हट जाएगी। दोस्तों, आप ग्रीन स्क्रीन हटाने के बाद वहाँ आप अपना लोगो लगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको लोगो लगाने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको क्या, पहले आपको वो टेम्पलेट है उसको दोस्तों ठीक तरह से अपनी टाइमलाइन से अपनी बैकग्राउंड को सेट कर लेना है। दोस्तों, ये सेट करने के बाद आपको उसको फिर से एक बार चला लेना है। और दोस्तों, जब वो इंट्रो का जो ग्रीन स्पॉट दिखाई दे रहा है वहाँ वो आ जाए, तब तक आपको वो सेट कर लेना है। और दोस्तों, वो सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर पे जाके, मीडिया में जाके आपको अपना जो लोगो है वो लोगो ले लेना है। तो दोस्तों, आप जब लोगो लेंगे तो दोस्तों आपको जो स्क्वायर में होगा तो दोस्तों उसको राउंड शेप करने के लिए क्रॉप में चले जाने के बाद राउंड शेप ले लेना है। तो दोस्तों, आपका चिली राउंड शेप हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपको इंट्रो में दिखाए गए राउंड शेप पर आपको मैच कर लेना है। दोस्तों, ठीक से आपको मैच कर लेना है। दोस्तों, यदि आप ठीक से मैच नहीं करेंगे तो दोस्तों इधर उधर आपका लोगो दिखाई देगा और इंट्रो अच्छा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, ठीक से आपको पहले मैच कर लेना है। दोस्तों, पहले अपने इंट्रो में अपने लोगों को मैच कर लिया, उसके बाद ट्रायल उसकी जो इंट्रो की टेम्पलेट की टाइमलाइन उसमें मैच कर लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने इंट्रो को स्टार्ट करके देख लेना है कि इंट्रो कैसे बना है। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि इंट्रो में स्टार्ट में थोड़ा सा पार्ट छूट गया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, उसको जो लोगो है उसको ड्रैग करके आगे ले जाना है। तो दोस्तों, आगे ले जाने के बाद आपका इंट्रो है, तो दोस्तों आपका इंट्रो को ठीक तरह से वो वर्क करेगा दोस्तों। और दोस्तों, छोटा बड़ा आप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे आप इंट्रो को बना सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर लेनी है। दोस्तों, स्क्रीन करोगे तो तब आपको टेम्पलेट और आपके जो लोगो है उसका मैच ठीक तरह से हो सकता है। और दोस्तों, वो फिर से आपको चला के देख लेना है। दोस्तों, अभी आपका इंट्रो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। और दोस्तों, ऐसा इंट्रो आपको भी बनाना है तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।